फिल्म का नाम हाई कोर्ट है और आनंद कृष्ण फिल्म अमित कृष्ण फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म बन रही है। तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और मैंने आज इसके लिए गाना रिकॉर्ड किया, अच्छा सॉन्ग था, अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी होती है, लगातार 4-5 फिल्म मेरी गा चुकी हैं आप, सबसे बड़ी सुपरस्टार सिंगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री की। हर बच्चे बच्चे जितने हमारे दर्शक हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आज कि प्रियंका सिंह जी के साथ मैं अपनी फिल्म में गवा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे गाने और हर फिल्म में गाती हैं, तो मुझे खुशी होती है कि इनकी आवाज़ जहाँ भी गूंजती तुरंत पकड़ लेता प्रियंका जी गा रही हैं, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच आपने दिया, और भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू कि आप लोग याद करते हैं। व्यूअर्स से जाते हैं गाने के, इतना डरी क्यों रहती है हमेशा वीडियो में? मैं डरी नहीं हूँ, बस मेरा अंदाज यही है, ऐसे नॉर्मली मैं खड़ी रहती हूँ। बहुत ऐसा सपोर्टर, अगर चार लोग आक्रमण कर दे एक साथ, तो क्या आप उसमें लड़ाई में जीत पाइएगा? वो तब की तब देखी जाएगी। क्या है कि मैं अकेले ही चलती हूँ, सबको पता है। अच्छा। और बाकी जो हैं सब लोग दल बल के साथ चलते हैं, तो जो अकेले चलता है वो मजबूत है, कहीं ना कहीं तो ही अकेले चल रहा है, है ना? सोचने वाली बात है ना जी, जो अकेला इंसान। स्पेशल क्या कुछ दिमाग में चल रहा है जरा बताएं सावन को लेकर के? स्पेशल गाने आए हैं सावन के, बहुत अच्छे अच्छे, और काफ़ी सारे गाने आए हैं, बहुत सारे गाने आए हैं। सबको आपने प्यार दिया है, और यूं ही प्यार और आशीर्वाद सब लोग बनाए रखिए। और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं, लोकगीत भी, और हमारे चैनल से भी, प्रियंका सिंह ऑफिशियल से सावन के बहुत अच्छे अच्छे गीत आए, और सब ने बहुत प्यार दिया। हारमोनियम एक सॉन्ग था हारमोनिया पे, बोलबम बोला हारमोनिया पे, जो कि खेसारी जी और हमने गाया है सारे गामा से, वो भी ग्राउंड लेवल पे ये गाना बहुत बज रहा है। सो इसके लिए सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये सॉन्ग सुन रहे हैं। और भी बहुत सारे गाने आए हैं जो सब लोग सुन रहे हैं, मेरा भी सॉन्ग है जो देवघर से ले लिया, ये शंखा पोला, ये सब बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो सबको बहुत अच्छे लग रहा है। मुखड़ा मुखड़ा हाँ, सावन पावन बरस जाला हो, तना चेला बमलो तरस जाला हो, सावन पावन बरस जाला हो, तना चेला बमलो तरस जाला हो, नर 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 नरिया पा नरिया पा। फिर मिल की लाइन है कि ए बॉबी राज करे लगबू तू दुनिया पा, क्या बात है। आवा बोल बम बोला हारमोनिया पा, बॉबी राज करे लगबू तू दुनिया पा, आवा बोल बम बोला हारमोनिया पा। ये सॉन्ग है, क्या बात है, क्या बात है। हारमोनिया ने काफी लाखों करोड़ों लोगों को सही में दुनिया पर राज करा दिया है। कैसा लगता है मुंबई में आजकल अब जब किसी स्टूडियो में गाती है, और पहले जब शुरुआती स्ट्रगल टाइम पे था, मैं सच स्ट्रगल टाइम पे कोई सेल्फी नहीं लेता था, फोटो नहीं लेता था। आजकल फोटो सेल्फी लेने के लिए बहुत लोग लाइन लगाए रहते हैं आपके साथ। मैं सही माने में बताऊँ ना, रियली जैसा मैं महसूस करती हूँ, स्ट्रगल टाइम में क्या था कि ऐसा नहीं है, सबका एक सफ़र होता है। उस टाइम पे स्टूडियो के बाहर बैठी रहती थी घंटों घंटों भूखे प्यासे, और अंदर जो हमारे सीनियर्स लोग हैं गाते रहते थे, हमारा कोई गाना भी नहीं सुनता था। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते शायद यहाँ तक पहुँची, और आज भी मेहनत कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं आज भी हर गाने के साथ सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा इतना नाम है या मैं सेलिब्रिटी हूँ या क्या हूँ। ऐसा लोग कहते हैं कि आप हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं संगीत की साधना करती हूँ, और हर गाने के साथ सीखती हूँ मैं। जब भी माइक पे खड़ी होती हूँ आज भी, तो मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं सच बता रही हूँ कि पता नहीं कैसा होगा, कंपोजिशन इतना हार्ड है, कैसे हो पाएगा, हो जाए, मतलब सीखती हूँ और आगे कोशिश करती हूँ कि और अच्छे अच्छे गाने अपने दर्शकों के बीच और पेश करती रहूँ, लाते रहूँ, और पब्लिक प्यार करती है हमारे गानों को, तो अच्छा लगता है। बस आज हाईकोर्ट के जो अपने गाना रिकॉर्ड किया, उसके गीतकार और संगीतकार में कुछ गाना देंगे? सावन जी संगीतकार हैं, और गीतकार का नाम अभी मेंशन नहीं है, मुझे बताया नहीं गया, अभी शायद कोई नए गीतकार है। तो नाम मैंने पूछा था, बट अभी उन्होंने नाम अभी फाइनलाइज नहीं किया, सो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने डायरी पे गीतकार संगीतकार सबका नाम लिखती हूँ, फिल्म का नाम,
तो अभी मैंने मेंशन नहीं किया, तो मुझे बताया नहीं गया अभी। सो अच्छा गाना है, कुछ डांसिंग नंबर है, अच्छा लगेगा आप सबको। एल्बम का दौर चल रहा है, सिनेमा देखा जाए तो काफ़ी गाने आ रहे हैं, हिट नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीज़न है? कौन से गाने? कोई भी फिल्मों के गाने आज रेट में जबान पर नहीं किसी दर्शक के। इस बात को मैं एक कैसे जस्टिफाई ये करना चाहूँगी कि फिल्म के गाने ऐसा नहीं है। हाँ, एल्बम चूँकि क्या है, रोज़ रोज़ जैसे एल्बम के गाने आ रहे हैं तो वो आए, लेकिन एक सेलेक्टेड आए तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात फिल्म के गाने की, तो पिछले साल पिंटू गिरी जी हैं। अच्छा, और पिछले साल एक फिल्म आई थी हम है राही प्यार के, उसका एक गाना था गजब गईला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो, जो पिछले साल का सुपरहिट फिल्म का सॉन्ग है मेरा, जो मैंने और पवन जी ने गाया था फिल्म के अंदर। और इस साल एक फिल्म आई है नैयर, बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन हिट की आप जो बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चूँकि प्लेबैक सिंगर हूँ, शुरू से ही प्लेबैक ही किया है मैंने, और चूँकि गाना हर गाना ही होता है, लेकिन प्लेबैक और एल्बम में तो बहुत अंतर है, फिल्म और एल्बम में तो बहुत ही अंतर है। फिल्म के लिए गायकी करना और एल्बम में गाने में बहुत ही अंतर है, क्योंकि फिल्म में हम लोग को कैरेक्टर को ध्यान में रख के गाना होता है, हम उसमें अपनी मर्जी से नहीं गा सकते हैं कि कुछ भी गा के ऐसा निकल लिए, और हमें समझाया जाता है कि इमोशन है, ऐसा फील है, और उस तरह हमें गाना पड़ता है प्लेबैक सिंगिंग में, जो कि बहुत टफ भी है ऐसा मैं मानती हूँ। आपने जैसा बोला डायरी मेंटेन करते हैं, हाँ, महीने में लगभग कितने गाने आप गा लेती हैं? ऐसा कभी काउंट नहीं किया। अनुमान बता सकते हैं? कुछ अनुमान नहीं है। कुछ भी इनकम टैक्स का छापा वैसे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या मैं बोलूं। बंगला लिया मुंबई में, वो जब लूंगी तो आप सबको पता चलेगा, ही अभी फिलहाल तो नहीं लिया। और हाँ, मैं बात कहना चाहिए, इस साल एक फिल्म आई नैहर, जिस जो अमरपाली जी हीरोइन है और गौरव झा हीरो, उसका एक सॉन्ग था पापा जी की गुड़िया आई, बी फॉर यू से आई थी, वो गाना भी बहुत ही दर्शक प्यार कर रहे हैं उसको, और उसको भी एक हिट सॉन्ग में से एक माना जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो फिल्म के ये दो गाने मेरे जो हैं पिछले साल के, गजब कईला सुना होगा आप सबने, गजब कईला तू बन गईला नजर आके कजरवा हो, ये पिछले साल ये सबसे सुपर हिट सॉन्ग है फिल्म का। और इस साल नैहर में जो गाना है पापा जी के गुड़िया हैं, ये बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, और मुझे आशा नहीं था कि ऐसे गाने भी दर्शकों को अच्छे लगेंगे, लेकिन ये इमोशनल गाने को भी फिल्म में इतना प्यार दुलार मिला है कि मैं बहुत खुश हूँ, और हम सभी लोग खुश हैं जिस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ओम जी, और जो भी अमरपाली जी जिन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के पीछे। तो दो लाइन उसको भी सुनाती हूँ आपको। पापा हमर दुनिया, पापा हमर जान, मम्मी में बसेला हमरो परान, दोनों जने सेवा हमरो पहचान, अपना पापा जी के गुड़िया है, अपना मम्मी के गुड़िया है, अपना पापा जी के गुड़िया है, अपना मम्मी के गुड़िया है। ये सॉन्ग बहुत इमोशनल है मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था तो मेरे फादर का जस्ट पिछले साल डेथ हुआ, और आने के 6 मंथ बाद मुंबई फर्स्ट गाना मुझे यही मिला गाने के लिए, तो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं बहुत ही, मतलब रो रो के गा रही थी, जिस दो लाइन गा रही थी, फिर ऐसा सब, मतलब अजीब सा ही माहौल था, लेकिन मुझे भी इस गाने के बहुत क्लोज हूँ, और ये गाना हिट हुआ तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा खुशी है कि कहीं ना कहीं मेरा भी एक वन ऑफ द, मतलब क्लोज टू माई हार्ट है ये सॉन्ग, तो अच्छा लगा कि लोगों को ऐसे भी गाने फिल्म के अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच सारे दर्शकों को, ऐसे ही अच्छे अच्छे गानों को प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए, और अपनी प्रियंका सिंह को आशीर्वाद दुलार देते रहिए। हाँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मीडिया कर्मियों को, और स्पेशली संजय भूषण पटियाला जी को, और थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे चंद्रमोहन चौधरी जी का जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे संग्राम भैया पटेल जी का जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और बड़े भाई हैं, ये हमारी उनके साथ दूसरी फिल्म हो रही है, और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि अभी हमने गाने से शुरुआत किया फिल्म का, काफ़ी दिनों से जो है सब कुछ चल रहा था, आज से हम लोग जो है गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारे इसमें बहुत ही बेहतरीन गानों के साथ जो है पदार्पण किए हमारे सावन भाई, जो अवध गंगा फिल्म के बैनर तले जो है फिल्म
महिरंग दे प्यार के रंग सजना इन्होंने किया संग्राम भैया जी के साथ। तो अभी ये दूसरी फिल्म है उस कंपनी की, हमारी कंपनी की, और सावन भाई बहुत बढ़िया म्यूजिक कर रहे हैं। और इस फिल्म का नाम है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जिन्होंने हमारे लेखक हैं बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर शशि कुमार पांडे जी, जो इनके साथ मेरी ये इसके पहले फिल्म हमारी आई थी, अभी आ रही चल रही है, शूटिंग कंप्लीट हो गई है, रिलीज पे है वो फिल्म, लव ने बना दी जोड़ी, जिसके निर्माता हमारे विजय विश्वकर्मा जी हैं, और उसमें हीरो हमारे जो है आपके क्या नाम है भाई अपना हीरो, प्रमोद प्रेमी जी, काफ़ी फिल्में भी हो गई है ना। तो अभी लगातार हम लोग फिल्म कर रहे हैं, और हमारे दबंग स्टार संग्राम सिंह जी इसमें हैं, तो काफ़ी बढ़िया जो है, और भी बहुत सारे कलाकार हमारे हैं, अभी सबका चयन होना बाकी है, हमने अभी संगीत से शुरुआत किया है। सर आप फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना जरूर चाहेंगे, क्यों नहीं कहना चाहेंगे, बताइए। अभी हाई कोर्ट बनाने जा रहे हैं, ये हमारी पहली फिल्म है, ये सब संग्राम भैया का ये देन है कि क्या नाम है, हम करने जा रहे हैं फिल्म, और बहुत दिन से लगे हुए थे, लेकिन अब पहला आज गाना का उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुआ है, और जहाँ तक होगा कि जल्द से जल्द इसका प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। आज का पहला गाना किसने गाया? प्रियंका, हाँ, जो अभी भोजपुरी की सबसे बड़ी सुपरस्टार सिंगर हैं, प्रियंका सिंह जी, और बहुत ही बढ़िया गाना भी रिकॉर्ड हुआ। तो म्यूजिक किसने लिया इस फिल्म का? म्यूजिक जो है हमारे बगल में खड़े हैं हमारे बहुत झन्नाटेदार आदमी सावन कुमार जी। सावन जी, सावन का मौसम चल रहा है, कुछ बताएं क्या कैसे किस तरह का म्यूजिक? सावन में सबसे पहले हम अपने देखने वाले को नमस्कार करते हैं, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भाई सचिन जी, और इस फिल्म को हम ये पहली फिल्म के साथ में कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छी फिल्म है, म्यूजिकल है, 8 गाने हैं 8 गानों के म्यूजिक हम कर रहे हैं, और धन्यवाद देना चाहूँगा संग्राम सिंह पटेल जी को कि उन्होंने हमें चुना है म्यूजिक करने के लिए, उनकी हम तीसरी फिल्म कर रहे हैं, और साथ में हैं चंद्रमोहन जी चौधरी जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी फिल्म है, अच्छी बनेगी उम्मीद करते हैं। संगीत से हमने शुरुआत की है प्रियंका सिंह जी से, अपना आइटम सॉन्ग से। सचिन जी हमेशा संग्राम जी को लेकर फिल्में बनाते हैं, क्या कारण है? ये उनकी देन है, हमारे ऊपर जो है उनकी कृपा है, और अभी लगातार फिल्में चल रही हैं, और हमारे बगल में जस्ट हमारे साजन भाई भी खड़े हैं, लगातार वो भी कर रहे हैं, तो साजन, सावन, सचिन, संग्राम और शशि सब जो है यस वाले हैं, तो यस वालों के साथ जमता है, और बहुत बेहतरीन जो है म्यूजिक कर रहे हैं दोनों भाई सावन जी और साजन जी। तो एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, हर चीज़ जब अगर मजबूत होती है तो फिल्म बहुत अच्छी बनती है। और ये फिल्म हाई कोर्ट जिसका नाम है, ये फिल्म हर एक असहाय मजबूर जो बोलते हैं मैं बेरोज़गार हूँ, बेरोज़गार होना सबसे बड़ा गुनाह है, और अगर हम बेरोज़गारी अपनी वजह से लाते हैं, ये फिल्म बहुत कुछ सिखाएगी हमारे कमज़ोर बेसहाय बेरोज़गारों को, बहुत कुछ सिखाएगी ये फिल्म, और कोशिश करूंगा कि एक अच्छा सिनेमा इस इंडस्ट्री में दूं, और हमेशा लगातार अभी 3 फिल्में मेरी रिलीज़ पे हैं, भगवान हाजिर हो, लव ने बना दी जोड़ी, इश्क ने चाय बीच बाजार, और ये हाई कोर्ट, इसके बाद लगातार 8 फिल्में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आप सबका आशीर्वाद प्यार है कि जो इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष को इस सफलता तक लेके आया हूं, तो इस सफलता को बचाने के लिए आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। शूटिंग इसी मंथ के जो है एंड तक जो है हम लोग कर रहे हैं, 25 के बाद से करेंगे, अभी एक सुपरस्टार इसमें हीरोइन होंगी, तो उनका डेट अभी चल रहा है, तो जैसे फाइनल होता है तो चीज़ों को बहुत जल्द आप सब तक मैं पहुँचाऊँगा। सर आपकी पहली फिल्म ऐसे पहले बना चुके हैं प्रोड्यूसर साहब? इसके पहले तो किसी साथ में बनाए थे, तो ये मेरी खुद के अपने इसमें अमित कृष्णा फिल्म प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, ये हमारी पहली फिल्म है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और फिल्म बनाने का कैसे प्लान किया आपने? आप रहने वाले तो हम मऊ ज़िले के हैं, लेकिन क्या है क्या ना, साथ में रहते रहते अपने साथ में दोस्त लोग इस लाइन में थे, तो हमारा भी दिल आ गया, मैंने चलो भाई लाइन में मैं भी जरा देखता हूँ। कोई फिल्म देखा आपने किस भोजपुरी? भोजपुरी तो देखा, बहुत फिल्म देखा। जैसे किस हीरो का?
देखने को तो अभी क्या ना कई फिल्में देखे, इतना ध्यान में नहीं रहता है। किसी हीरो को जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ क्यों नहीं, खेसारी लाल को जानते हैं, दिनेश लाल को जानते हैं, अभी हमारे भैया संग्राम भैया अभी फटाफट 4-5 फिल्म बनाए लगातार, का नाम है सब, अब उन्हीं का दी है, उन्हीं के सहारे से अब चल रहे हैं, क्या नाम, देखते अब मालिक है आगे क्या होता है। मैं बहुत बढ़िया सर। क्या वो सारा बाल कहाँ चला गया आपका? उम्र के साथ अनुभव। कहानी लिखते लिखते भूल तो नहीं गए जो हमारा बाल रहता है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे हाई कोर्ट के बारे में? हाई कोर्ट हमारी फिल्म है, सामाजिक मुद्दों पर इस कहानी का ताना बाना बुना है। आम आदमी से न्याय दूर होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है, और इसी आम आदमी के न्याय को हाई कोर्ट तक ले जाने का एक प्रयास हमारी टीम ने किया है। और इस फिल्म में अच्छे अच्छे कलाकार, हमारे डायरेक्टर सचिन यादव जी जो स्टाइलिश फिल्म डायरेक्टर के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस हैं, अमित कृष्णा फिल्म्स के प्रोड्यूसर चंद्रमोहन जी, और हमारे दबंग सुपरस्टार हीरो संग्राम सिंह पटेल जी, ये हमारी टीम है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म आगे चलकर बहुत ही सुपर डुपर हिट होगी। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सावन जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत तैयार किए हैं, और बहुत ही जल्द ये फिल्म हमारी सिनेमागृह में आएगी, सिनेमागृह में आएगी, और हम लोग एक म्यूजिकल, पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित हमारी फिल्म हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्याय के लिए लोग वहाँ जाते हैं, न्याय का मंदिर है, और इस मंदिर में जो ऊंच नीच है, ऊपर नीचे है, अमीर गरीब का जो भेदभाव है, उस भेदभाव पे न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इसी विषय पर हमारी कहानी है। हाई कोर्ट कौन किसको पर केस करने वाला है ये सब नहीं बोल सकते। ऐसा है कि अभी ये जब सब कुछ बता देंगे तो फिर सिनेमा का जो हमने ताना बाना बुना है, जो हम लोगों ने 6 महीने से इसके ऊपर वर्क किया है, तो वो जब बन करके आएगी तो आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मीडिया के लिए क्या मसाला होगा? मीडिया के लिए क्या, पूरी पब्लिक के लिए हम देखिए इंटरटेन। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के माध्यम से हम एक अच्छे सिनेमा बनाएंगे, और अपने पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए, उनको एक संदेश के साथ साथ उनको एंटरटेनमेंट भी कराएंगे हम।